शिमला जिला के रामपुर बुशहर में तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडे ने रामपुर में व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ द्वारा आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का विधिवत समापन किया। रामपुर बुशहर में बुशहर तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ द्वारा एकीकृत शिक्षा खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, ताकि व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं में खेलों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो। किन्नौर, रामपुर व निरमंड के आसपास के व्यवसायिक केंद्रों से आए प्रशिक्षकों ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान जनजातीय विकास, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि हिमाचल में कंप्यूटर सेंटर संचालकों की संख्या 7,800 है, लेकिन यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सरकारी स्तर पर कोई प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं है और ना ही किसी बोर्ड से संबद्धता है। वे शिमला जाते ही इस बारे में अधिकारियों से चर्चा कर कोई विकल्प खोजेंगे, ताकि कंप्यूटर की शिक्षा लेने वाले युवाओं का भविष्य बेहतर हो। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के आरंभ में रामपुर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रामपुर में एक रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर में स्थान उपलब्ध होते ही एक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के समारोह में विघ्न ना पड़े। मारकंडे ने कहा कि हिमाचल के नौजवानों को ड्रोन पायलट्स भी बनाएंगे, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूरा विशेष चर्चा करेंगे, हम लोग अधिकारियों को बुलाएंगे, कितने लोग हो सकते हैं, क्या हम आने वाले समय में करेंगे या जो पूर्व बच्चे कर चुके हैं उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए मैंने कहा कंप्यूटर सेंटर्स को भी हमने जो है इसके लिए कुछ रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे। बहुत से कंप्यूटर सेंटर ऐसे हैं एक कमरे में चल रहा है, हमारे रूल्स होते हैं, जैसे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, हमारे लोक मित्र के अंदर हैं, लोक मित्र के अंदर को हम चलाते हैं, उसे कुछ परंपराएं सिस्टम्स हैं, हम देखेंगे क्या दोनों को कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको हम पूरा चर्चा करेंगे। ड्रोन परियोजना है, ये कब तक शुरू हो जाएगी और क्या ये सरकारी क्षेत्र में होगी या निजी क्षेत्र में? ड्रोन जो मेला हमने धर्मशाला शुरू किया है, हम इसी साल जो है मार्च के बाद हम शुरू करने वाले हैं। ये प्राइवेट भी होगा और गवर्नमेंट भी होगा, सरकारी विभागों के अंदर भी होगा और प्राइवेट लोग जन लेना चाहे ड्रोन इस हम जो है पायलट बनाएंगे। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति 3 महीने का ट्रेनिंग करेगा, डायरेक्टर जनरल सिविल मशीन से हम उसको जो है लाइसेंस देंगे, ताकि जो है ये जो आज ड्रोन चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो मान्यता उनको प्राप्त नहीं है, मान्य नहीं होंगे। ये सब लीगलाइज होगा, उनके फोटोग्राफी होगा, कल को ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट लोग ड्रोन चलाएं उसका दुरुपयोग हो फोटोग्राफी का, तो इसलिए लाइसेंस आवश्यक करेंगे हम लोग। हम 2022